हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, आप इन्वेस्ट फॉरएवर हो गए, सो डोंट बी कंफ्यूज। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और कल की डेट में मैंने इसे बाई किया था और आज की डेट में अगर देखे तो उसमें अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स की क्या वजह है मैंने उसे खरीदा था या फिर आगे क्या उसके कितना वो शेयर आगे जा सकता है। तो दो तीन पैरामीटर है, उसके बेस पर मैं ऑलवेज स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ और हमेशा अपनी वीडियो में बताता भी हूँ। उसी चीज को मैं इस वीडियो में भी एक बार रिपीट करूंगा। तो इस चीज से एक सीख के आप किसी भी शेयर को एक लो लेवल पर खरीद के हायर लेवल पर बेच सकते हैं और जिसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग करके आप अच्छे खासे पैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपका 20% भी बन जाते हैं और उसी स्टॉक्स में आप ऊपर लेवल बेचकर फिर नीचे लेवल पर खरीद लेते हैं तो साल में 40% 60% आपको मिल जाते हैं, तो काफी बेहतरीन रहता है। तो इस स्ट्रेटेजी को हम फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। कल की डेट में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी। यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको वीडियो बनाई थी। आज थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दिया था बट कोई इशू नहीं है। ग्रीन प्राइस से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनती हुई दिखाई दी थी, तो इन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। बाकी आपकी प्ले लिस्ट यहाँ पर बना रखी है, यहाँ इन प्ले लिस्ट में आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर आप नॉलेज ले सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, सबसे पहले रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। अगर हम रिटर्न्स यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी को आई थिंक डीमर्ज हुई है या समथिंग इज हैपन विद दिस कंपनी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो अगर बात करें तो फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं तो एक साल में ही कंपनी को यहाँ पर लिस्ट हुए हुआ है और वन ईयर में इसने 564.35% के रिटर्न दिए है। मतलब वन डे, वन वीक, थ्री मंथ्स, सिक्स मंथ्स, ईयर टिल डेट, वन ईयर में सबसे बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर देते हुए कंपनी नजर आई है। वन मंथ की बात करें तो 8.88% के यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब ऊपर से नीचे गिरता हुआ नजर आया बट अभी भागता हुआ नजर आ रहा है और अपर सर्किट की बात करें तो लगता हुआ नजर आ रहा है। शेयर की अगर बात करें तो शेयर का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके वीडियो को मैं छोड़ के चले जाइए, लास्ट तक देखिए वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि क्या किस वजह से यहाँ पर शेयर को यहाँ पर चूज किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें आज के दिन में तो आज के दिन में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था, लास्ट में थोड़ा सा अपर सर्किट यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई दिया था बट लोगों ने उसे भी खरीद लिया, कोई इशू नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर 5 डेज की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे खासी ऊपर से नीचे वॉलिटिलिटी दिख सकती है। वन मंथ का जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे जाता हुआ शेयर दिख रहा है। सिक्स मंथ की बात करें तो सिक्स मंथ में शेयर ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने 3600 रुपए का ये शेयर हुआ करता था और आज की डेट में बात करें तो 233 रुपए का शेयर है। 200 रुपए पर शेयर भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा बनाता हुआ दिखाई दिया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। 268 रुपए 20 मई को गया था, उसके बाद से गिरावट है। 52 वीक लो की बात करें 33 रुपए का यहाँ पर 22 जून को यहाँ पर शेयर हुआ करता था और यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर देखे अभी रिसेंटली 14 मई को यहाँ पर इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। अगर और भी कुछ पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं कंपनी करती क्या पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे घर बिकते जा रहे हैं, ओके, जैसे जैसे फ्लैट्स सेल आउट हो रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम्स बढ़ रही है लोग अपने अपने घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर रहे हैं। कल मैंने वीडियो बनाई थी ग्रीन प्राइस से रिलेटेड, ओके, उस केस में भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी और सेम चीज़ मैं आज दोबारा दोहरा रहा हूँ। तो ये ग्रीन पैनल करती क्या है, जो साइड वाइज या ऑफिसेज में हो गए या फिर घर में हो गए उन्हें डेकोरेट करने के लिए ये जो प्लाई के जितने भी ये चीजें होती है ये सारी की सारी ग्रीन प्लाई ग्रीन पैनल यहाँ पर बनाते हुआ दिखाई दे रहा है। और ग्रीन पैनल्स आर इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वुड पैनल्स, मतलब वुड पैनल्स जो ये होते हैं उसे बनाते हुए दिखाई देता है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। आर स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन उत्तराखंड एंड आंध्र प्रदेश में टॉप क्वालिटी मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड्स, और इनके जो अगर बात करें उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर ये टॉप क्वालिटी के यहाँ पर ये वुड्स बनाते हुए नजर आते हैं। प्लाईवुड्स, वीनर्स, वुड्स फ्लोर्स एंड डोर्स। और आजकल क्या हो रहा है कि पैनल्स के थ्रू मतलब वॉल्स को ढक दिया जाता है, कवर अप कर दिया जाता है, इससे ये ज्यादा अट्रैक्टिव भी नजर आते हैं और बहुत बेहतरीन यहाँ पर नजर भी आता है। और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है ऑब्वियसली बात है लोग यहाँ पर स्पेंडिंग, और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ
दो चीज पे इंडिया में ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, या तो फिर वेडिंग पे किया जाता है, घर पे किया जाता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में दे सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, वुड फ्लोर्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोर, जो वुड फ्लोर होते हैं ऑफिस में भी काफी यूज किया जाता है, प्लाईबोर्ड एंड ब्लॉक बोर्ड्स, यहाँ पर वेनिर्स में, डोर्स में, डोर बनाने में प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इन केस की तरफ ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर मार्केट कैपिटल देख लीजिए 2730 करोड़, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। और बात करें यहाँ पर आरओसी, तो 11.6% की यहाँ पर आरओसी ही है। और यहाँ पर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, तो 58% का यहाँ पर डेट भी है। तो इस चीज को भी हमें नहीं भूलना है। और अगर हम बात कर लेते हैं और कुछ चीजों की तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर सेल्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे जो स्टॉक पिक करने का जो आइडिया है, उसमें से सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है हाईएस्ट एवर रिजल्ट। हाईएस्ट एवर रिजल्ट का मतलब है ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पर अगर हाईएस्ट एवर आपको रिवेन्यू मिलते हैं, हाईएस्ट एवर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, और हाईएस्ट एवर आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। तो इन दिस केस मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ऐसे चीजों को छोड़ा नहीं करते। और जहां पर आपको गिरावट मिलती हुई नजर आई कितनी, 30%, तो इस शेयर में भी 30% तक की गिरावट हो चुकी थी। 265 से 200 के आसपास ये शेयर आ चुका था, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई थी। तो आई जस्ट पिक दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अगर बात करें यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ है क्वार्टरली बेस में, यहाँ पर 2 साल से देखते हैं, तो आई थिंक ये कंपनी किसी से डीमर्ज हुई है इस वजह से, या न्यू लिस्ट हुई होगी, कोई इशू नहीं है। तो अगर बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर 128 करोड़ से लेके पिछले 12 क्वार्टर में 389 करोड़ रुपीज तक यहाँ पर सेल्स पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर 58 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट भी पहुंच गया है। और ईयरली बेसिस पे ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 2018 में 0 करोड़ की यहाँ पर सेल्स थी, जो कि आज की डेट में कितनी है, 1020 करोड़ की सेल्स है। और 2 साल में तो यहाँ पर डबल करते हुए दिखाई दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर 0 से यहाँ पर सीधे 76 करोड़। तो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द कंपनी, और इन इन द फेवर ऑफ द कंपनी अगर कहें तो यहाँ पर सब चीज नजर आ रही है। और यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें 761 करोड़ का रिजर्व्स है, ओके। और शेयर कैपिटल 12 करोड़ रुपए का, और बोरिंग की बात करें 447, अगर इन दोनों को ऐड करके देखा जाए तो हाफ के लगभग ही आता है। तो यहाँ पर बोरिंग ना के बराबर ही है, और बोरिंग में भी क्या है यहाँ पर कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर बात करें पिछले साल के क्वार्टर में था 100 करोड़ से ज्यादा की बोरिंग यहाँ पर कम करी है इन्होंने। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर फिक्स एसेट में भी यहाँ पर अच्छा खासा फिक्स एसेट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनी का अच्छा खासा है, CWIP वर्किंग प्रोग्रेस में भी पैसा अच्छा खासा है यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। कैश इक्विवेलेंट यहाँ बात करें 0 करोड़ से 72 करोड़ रुपीज हो गया है। तो हर पैरामीटर पे कंपनी अच्छा खासा बैठ रही है। कैश इक्विवेलेंट और कैश एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 151 करोड़ रुपीज का कैश भी है यहाँ पर, और जो भी पैसा कमाते हैं यहाँ पर बुक में दिखाई दे देता है। बाकी यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आरओसीई भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है सब। और यहाँ पर आप देखें प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.10 है। FIIs ने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी नहीं काफी अच्छी यहाँ पर हिस्सेदारी कम करी है 6% के आसपास। अगर बात करें इसमें से जो हिस्सेदारी है आधी, तो मतलब 3% की हिस्सेदारी यहाँ पर DIS ने खरीद लिया है। यहाँ पर अगर बात करें DIS कितने, यहाँ पर HDFC ट्रस्टेड फंड भी है, IDFC भी है, यहाँ पर SBI, टाटा, यहाँ पर अगर बात करें टाटा इंडियन कंज्यूमर फंड्स ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है जो FIIs ने बेची थी। और बात करें यहाँ पर सज्जन बजनकर यहाँ जी ने यहाँ पर 1.22% की हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है। तो अगर बात करें पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी है, और भी ऐसे निकलेंगे जिनकी क्योंकि 1% से कम की चीज की हिस्सेदारी होती है वो यहाँ पर आते नहीं है यहाँ पर। बट बात करें तो बहुत सारे लोगों की होती है जिसकी 90.9% की हो, 0.8% की हो। तो ऐसे HNIs जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनको भी घटा दिया जाए, तो नॉर्मल पब्लिक की आई डोंट थिंक सो यहाँ पर ज्यादा हिस्सेदारी होगी। तो इस चीज को भी आपको समझ के चलना है। तो यहाँ पर अगर बात करें इनके कॉम्पिटिटर, तो इनके कॉम्पिटिटर सेंचुरी प्लाई और ग्रीन प्लाई ही यहाँ पर सामने नजर आते हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर तीन चीजें फेवर में आ रही थी। देखिए सबसे पहले तो ये हर बार 50 DMA के यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ पर ऊपर जाता था, तो यहाँ पर 50 DMA के सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पर शेयर कर रहा है, शेयर यहाँ पर अभी घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर से एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी। बाकी यहाँ पर 24-25% के आसपास यहाँ पर गिरावट हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसका जो RSI है वो ज्यादा वो भी अच्छा खासा फेवरेबल था। अगर बात करें कितना था यहाँ पर RSI, तो 40 के आसपास का यहाँ पर RSI भी नजर
नजर आ रहा था, तो यहाँ पर सारी चीज फेवर में है नजर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर शेयर जब यहाँ पर हाईएस्ट एवर रिटर्न मिल रहे हैं, हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं, प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा आ रहा है, और यहाँ पर अच्छा खासा आरएसआई पे यहाँ पर कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है और लगभग 25% नीचे डाउन कर रही है, 50 DMA के बार बार सपोर्ट लेके ऊपर चली आ रही है। तो ऐसी कंपनी को, ऐसे पैरामीटर को चूज करके, इनके पिछले सब चीज देख के आप ऐसी कंपनी को चूज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। एज अ स्विंग ट्रेडिंग आप इसे यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी तब तक यूज कर सकते हैं जब तक अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आना अगर बंद हो जाए तो बंद कर दीजिएगा इन्वेस्ट करना। बट ऐसी जो कंपनी यहाँ पर अब अच्छा खासा परफॉर्म करती आ रही है पिछले 2-3 साल से, आगे भी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अच्छा खासा एक तो रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा है, बाकी इंडिया ग्रोथिंग मैनर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, घर भी बन रहे हैं, बिल्डिंग्स भी बन रही है, और हर चीज में यहाँ पर प्लाई और वुड्स यहाँ पर यूज होनी है, और ये कंपनी मार्केट लीडर है इंडिया में, तो इस चीज को आपको देखना है और ये कंपनी आगे चलती जाएगी। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर आपको कुछ पोजिशन लेनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।